साथियों, कल मैंने एक आप लोगों से बात की थी और उसमें तीन मुख्य बिंदु मैंने कहे थे। वो तीन मुख्य बिंदु थे जो आज एक शब्द में हमारे बड़े भाई राजकुमार साहब ने कहा कि हम अपनी एकता को कैसे मजबूत करें, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले बात जो कल हमने कही थी कि हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं, सभी कॉलेजेस के लियाइजन ऑफिसर्स को हम एक अनुरोध करें, रिक्वेस्ट करें या हम जोर करें कि आपको हमारे मंच पे आना पड़ेगा और हमारी आवाज से आवाज मिलाना होगा। हम सभी को यूनिवर्सिटी के लियाइजन ऑफिसर को भी ये कहना पड़ेगा, रिक्वेस्ट, जोर जो हो, आइए और इस 5 मार्च के सर्कुलर का विरोध करिए और त्याग पत्र दीजिए। सभी लियाइजन्स त्याग पत्र दें, सभी एडहॉक्स जो मेरे साथी हैं, जो ये डरते हैं कि हम अगर इतना फोरम पे आएंगे तो कल को कहीं भुगतना अपना पड़े, यकीन मानिए अगर आज आप साथ नहीं है तो कल आपका नहीं है, क्योंकि ये रोस्टर जो है 13 पॉइंट वापस नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ी संख्या में सबको बाहर निकालने का है। ये जो मानसिकता है, हजारों साल पुरानी मानसिकता है, और हमारी जो ये एकता है, जो हमारी जागरूकता है, बाबा साहब ने जो हमें जो दिशा दिखाई है उसके कुछ 1 साल हुए हैं। मैं एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। सुबह से बड़े हम क्रांतिकारी विचारों को सुन रहे हैं, बहुत हमें जोश और ऊर्जा का संचार किया हमारे बड़े जो क्रांतिकारी, जो यूनिवर्सिटी के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने आरक्षण की लड़ाई को मजबूती दी है, दिशा दी है, जिनके शायद प्रयासों से हम लोग जो नई फसल है, नई खेत है, हम हैं और आने वाली फसल की जो है वो ना रुके, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये बड़ी छोटी सी कहानी है, इसको आप आज की परिस्थितियों के साथ थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। ये सिम्बोलिक मैं जो बताना चाह रही हूँ कि एक बहुत पुराना नगर था, उस बहुत पुराने नगर में एक बहुत आलसी कौवा रहा करता था। अब उस कौवे का भाग जागा। भाग कैसे जागा कि उस शहर में एक अचानक से बड़ा नगर सेठ आया, रिच व्यापारी, धनाढ्य व्यापारी आया, और उस व्यापारी के आने से वो जो भी उसके घर का जूठन बचा हुआ भोजन वो घर के पीछे उसके नौकर फेंक दिया करते थे और वो कौवा उनको खा खा के तंदुरुस्त हो गया, मोटा हो गया। साथ ही साथ वहाँ पे एक अच्छी खासी कौओं की भीड़ भी इकट्ठी हो गई। अब वो कौवे जो ये जूठन खा खा के तंदुरुस्त हुए थे, वो काँव काँव करके उस गांव पे अपना कब्जा समझने लगे। अब उन्हें लगा कि ये तो हमारा गाँव है, हम यहाँ के राजा हैं और हमारा यहाँ चलेगा। हुआ क्या, वो उन्होंने जो दूसरे पंछी थे जो शांति से रहते थे, वो उनसे गाँव गाँव करके लड़े, बहुत उनका कलरव जो इतना जो माहौल था वो बिगाड़ने लगे। पक्षी बेचारे शांत दबे दबे सहमे या शांति प्रिय अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब उन झुंड वाले कौओं की हिम्मत और बढ़ी। हुआ क्या, उन कौओं को लगा, किसी ने बताया, अरे बगल में एक झील है, वहाँ पे एक हंस रहता है, अगर आप उसको भगा दो, क्योंकि जो ये झील जो पक्षी हैं ये तो उसको अपना राजा मानते हैं, अगर तुम उसको भगा दो तो हम राजा बन जाएंगे। तो वो कौओं की झुंड वहाँ पहुँची और कही कि भाई ये हमारा गांव है, ये हमारा तालाब है, इसको तुरंत खाली करो। तो हंस ने कहा कि अच्छा, तो हंस ने कहा अच्छा, फिर हंस कौओं को लगा अरे ये तो बड़ा आसानी से मान गया, ये तो ऐसे ही जा रहा है। फिर उनके अंदर अहंकार जागा, उन्हें लगा कि अगर ये इतनी आसानी से मान जाएगा, इतनी आसानी से छोड़ के चल देगा तो हम काहे के राजा। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, तो हमसे उड़ान प्रतियोगिता करो और उड़ने में जीत गए तो तुम राजा, हम चले जाएंगे, और हम जीत गए तो तुम हमारे नौकर, गांव हमारा, झील हमारी, तुम यहाँ से जाओगे। तो हंस चुपचाप सुनता रहा। फिर हंस ने कहा कि अच्छा, जब प्रतियोगिता करनी ही है तो क्यों ना इस झील से थोड़ा आगे एक और बड़ी झील है, तो वहाँ चल के हम प्रतियोगिता करें, तो वहाँ चल के हम प्रतियोगिता करें। तो वो कौवे मान गए जी, तो वो
आगे की झील पे जी दूसरे दिन सुबह सारे लोग मिले और तो वो झील पे मिले और वो प्रतियोगिता का आगाज शुरू हुआ। अब जब है बहुत विशाल झील, जैसे जैसे झील बढ़े वैसे वैसे गहराई बढ़े। अब प्रतियोगिता शुरू हुई, उन कौओं के झुंड से एक मोटा कौआ चुना गया कि आप इनके साथ रेस लगाएंगे। रेस शुरू हुई, जो जो झील आगे बढ़े हंस की उड़ान, उसके पंख और खुलते जाए और कौए की सांस फूलनी शुरू हो। और आगे बढ़े कौआ, थोड़ा सा बोले हंस को कि देख भाई, मैं तो बड़ी कलाबाजियां लगाता हूँ, मैं तो उल्टा उड़ता सीधा उड़ता नीचे ऊपर दाएं बाएं, तू तो सीधा ही चलता जा रहा है, सामने ही देखा जा रहा है। हंस चुपचाप कुछ ना बोले और दूर थोड़ी समय बीता, प्रतियोगिता चलती रही। जब उस झील के थोड़ा और बीच तक पहुंचे, अब कौए की भाई साहब सांस फूलने लगी, उसका दम फूलने लगा, नीचे पानी उड़ने की हिम्मत नहीं, और थोड़ा जोर लगाया। हंस जो जो आगे बढ़े त्यों तो उसकी और उड़ान तीखी तेज लक्ष्य की तरफ और भेदती, मतलब लक्ष्य को भेदती हुई। कौए ने और दो चार मिनट बाद कहा, भाई हंस मुझे बचा ले, बस खत्म कर दें, भाई हंस मुझे बचा ले, मैं गिर जाऊंगा, भाई हंस मुझे बचा ले। उस हंस ने उसको अपनी पीठ पे लादा और किनारे लाया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर हम शांत थे, हम शांत हैं, तो ये कतई लोग ना समझे कि आप हमारी बुद्धिमत्ता को ललकार रहे हैं, आप हमारी मेरिट को ललकार रहे हैं। अगर हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं आपके इस हमारे समाज को चलाने में, तो ये आप कतई ना समझें कि ये समाज, ये सत्ता, ये शक्ति आपकी है, ये हम हैं जो इस देश की, राष्ट्र की विकास में मुख्य धारा निभा रहे हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक इस एक मंच पे हैं तो इसलिए है क्योंकि आप रातों रात हमारे शिक्षकों को, भविष्य के शिक्षकों को, भविष्य की जन बच्चों को आप उनके अधिकारों से बेदखल नहीं करेंगे। संविधान हमारा है और ये शिक्षकों को पूरा राष्ट्र देख रहा है, इस विश्वविद्यालय से पूरे देश के विश्वविद्यालयों की नजर है। इसलिए आप इस लड़ाई को सलाम, आपकी इस एकता को सलाम, जिंदाबाद भीमराव अम्बेडकर, जिंदाबाद, धन्यवाद।